वियतनाम चीन में बवंडर मचाने को है तैयार। इजराइल से कर रहा भयंकर हथियारों की डील। भारत इजराइल के खौफ से जिनपिंग का उड़ा होश। दोस्तों, भारत अपने दुश्मन चीन को सबक सिखाने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है। वो चीन के दुश्मन देशों को खतरनाक मिसाइलों से लैस कर रहा है। चीन की हरकतों से दुनिया में कुछ गिने चुने देशों को छोड़कर ज्यादातर देश नाराज हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो पहले से किसी भी देश पर हमला नहीं करता है, लेकिन चीन अपनी सीमा बढ़ाने और दुनिया भर में अपने पैर फैलाने के लिए बेकरार है। उसने भारत की सीमा पर भारी सैन्य बल जमा कर दिया है, जिसका माकूल जवाब देश की सेना दे रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को जवाब देने के लिए दुनिया भर में बेहद मजबूत संगठन खड़ा किया है और चीन को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। उसकी इकोनॉमी पर अटैक किया जा रहा है। चीनी बाजार का विकल्प तलाशा जा रहा है। ज्यादातर देश चीन से अपना आयात कम कर रहे हैं। इस घेराबंदी से चीन बेहद खौफ में है। इसी बीच चीन का दिल दहला देने वाली एक खबर आ रही है, जिससे जिनपिंग की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीन में तबाही तय मानी जा रही है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे चीन में सन्नाटा पसर गया है। जिनपिंग की धड़कनें क्यों बढ़ गई हैं? पीएलए में घबराहट का आलम क्यों है? तो दोस्तों, चीन का कट्टर दुश्मन देश वियतनाम जल्द ही इजराइल से बराकेट मिसाइल खरीदने वाला है। इस डील को फाइनल करने के लिए वियतनाम के रक्षा मंत्रालय का एक उच्च प्रतिनिधि मंडल सितंबर में इजराइल का दौरा करने वाला है। इस दौरान इजराइल और वियतनाम के बीच बराकेट मिसाइल सिस्टम की 3 बैटरियों के लिए डील फाइनल की जाएगी। इस डील की कीमत 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वियतनामी वायुसेना के डिप्टी कमांडर के साथ साथ एयर डिफेंस के चीफ करेंगे। वियतनाम पहले से ही इजराइल में बने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। बराकेट सिस्टम को कई तरह के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल शामिल है। इसे जमीन पर या समुद्र में तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बराकेट मिसाइल क्या इजराइल की मिसाइल है? इसकी किस ताकत पर दुनिया दीवानी है? तो दोस्तों, बराकेट मिसाइल को इजराइल और भारत ने साथ मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर की बताई जाती है। इस मिसाइल की डिजाइन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत के DRDO ने एक साथ मिलकर किया है। बराकेट का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और राफेल एडवांस डिफेंस लिमिटेड संयुक्त रूप से करती हैं। 2016 से यह मिसाइल 3 देशों की सेना में तैनात है। बराकेट मिसाइल भारतीय थलसेना, वायुसेना और नौसेना में पहले से ही तैनात है। इसके अलावा इजरायली नौसेना, अजरबैजान की वायुसेना इस मिसाइल का इस्तेमाल करती है। अगर इस मिसाइल की क्षमता की बात करें तो बराकेट जहाजों पर लगाने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो जहाज को एंटी शिप मिसाइल, लड़ाकू विमान, मानव रहित विमान और हेलीकॉप्टर से रक्षा करता है। बराकेट एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह सिंगल इंटरसेप्टर मिसाइल है। बराकेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह किसी भी गति में रहने वाले क्रूज मिसाइल या एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सके। इसे अपने लक्ष्य को निशाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, जो तेजी से अपनी जगह बदल रहा होता है। इस पर लंबी दूरी के एक्टिव रडार लगे होते हैं। दोस्तों, वियतनाम इजराइल से पिछले 15 साल से हथियारों की खरीद कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक वियतनाम ने इजराइल से $1.5 बिलियन के हथियारों की खरीद की है। इजराइल के एल्बिट सिस्टम ने वियतनामी नौसेना को $60 मिलियन मूल्य के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और $30 मिलियन के साइबर एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बेचे हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने वियतनाम को लगभग $14 करोड़ में 3 हेरॉन ड्रोन बेचे हैं। इसकी एल्टा सब्सिडियरी कंपनी ने वियतनाम को $150 मिलियन के रडार की बिक्री की है, जबकि रामटा ने 60 बख्तरबंद वाहनों को $20 मिलियन में बेचा है। दोस्तों, वियतनाम दुनिया के नक्शे में बहुत छोटा देश है, लेकिन इस देश ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि कोई इसकी तरफ देखने की भी कोशिश नहीं करता। ये चीन का बहुत बड़ा दुश्मन है। चीन ने इस देश पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वियतनाम ने किया था कुछ ऐसा कि दुनिया देखती रह गई थी। आखिर इस छोटे देश की ताकत का क्या राज है? इस देश का क्या है इतिहास और चीन से दुश्मनी की क्या है वजह? दोस्तों, इस देश का रोमांचक इतिहास और इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। वियतनाम की वीरता के आप दीवाने हो जाएंगे। वियतनाम के आगे सुपर पावर टेक चुका है घुटने। दोस्तों,
वियतनाम के दमखम की बात करें तो इस देश ने अमेरिका को भी धूल चटाई है। वियतनाम का इतिहास लगभग 2700 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ 1000 वर्ष ईसा पूर्व मानव अवशेष भी मिले हैं। वियतनाम का अधिकांश हिस्सा चीनी राजवंशों के अधीन रहा था। वियतनाम को चीनी शासन से पूर्ण मुक्ति 10वीं शताब्दी में मिली थी। इसके बाद वियतनाम अलग राज्य बना, लेकिन चीनी और मंगोली आक्रमणकारियों ने उन पर कई हमले किए, लेकिन वियतनाम ने हर हमले का करारा जवाब दिया। 17वीं सदी में फ्रांस का दखल वियतनाम में बढ़ने लगा और 1884 में संपूर्ण वियतनाम फ्रांस के कब्जे में आ गया था। वियतनाम पर 19वीं सदी से फ्रांस का कब्जा रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया था। 1945 में जापानी सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में हार कर वापस अपने देश चले गए तो चो मिन्द की सेना ने हनोई के उत्तरी शहर पर कब्जा कर स्वतंत्र लोकतांत्रिक वियतनाम की नींव रखी। हो चो मिन्द वहां के राष्ट्रपति बने। अब फ्रांस की सरकार ने दक्षिणी वियतनामी राजा सम्राट बाओ के नेतृत्व में वियतनाम का पुनः गठन किया और वे चाहते थे कि वियतनाम पश्चिमी मॉडल को अपनाए और खोए हुए भाग को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हो चो मिन्द के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी। अमेरिका ने फ्रांस को सैन्य मदद देना शुरू कर दिया था और 1950-1954 तक अमेरिका ने फ्रांस को 3 मिलियन की सैन्य सहायता दे दी थी, परंतु फ्रांसीसी नेतृत्व की हार हुई और वियतनाम से 1954 में फ्रांस के औपनिवेशिक शासन का पूरी तरह से अंत हो गया। जुलाई 1954 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस में वियतनाम उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बढ़ गया। 2 अगस्त 1964 को अमेरिकी नौसेना उत्तरी वियतनाम के तट पर पहुंची, जिन पर वियतनामी टारपीडो ने हमला कर दिया और इसके 2 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति एल जॉनसन ने अपनी वायुसेना को उत्तरी वियतनाम पर हमले के आदेश दे दिए। इन हमलों के पीछे अमेरिका का उद्देश्य दक्षिणी वियतनाम का मनोबल बढ़ाना भी था। मार्च 1965 तक उत्तरी वियतनाम पर नियमित हमले करने शुरू किए। वर्ष 1969 में ये युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। वर्ष 1975 में साइगोन शहर पर वियतनाम का कब्जा हो गया। अमेरिका को दुनिया भर में आलोचना के कारण अंततः पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में अमेरिका को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसके लगभग 58,000 सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए। वियतनाम के लड़ाकों ने इस युद्ध में गुरिल्ला तकनीकी का उपयोग किया था। दोस्तों, अमेरिका जैसी ताकत जिस देश की ताकत और जज्बे के आगे घुटने टेक दे, उसके विल पावर को समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर चीन की बात करें तो वियतनाम ने चीनियों को भी कुत्तों की मौत मारा है। 1979 में चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया था और वजह थी वियतनाम द्वारा 1978 में कंबोडिया पर हमला करना। यह युद्ध 17 फरवरी 1979 से 16 मार्च 1979 तक चला था। चीन के लगभग 6 लाख सैनिकों ने वियतनाम पर हमला किया था, जबकि वियतनाम के पास कुल 70,000 सैनिक थे, जिनमें से बड़ी संख्या में सैनिक कंबोडिया में तैनात थे। वियतनाम के सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग करते हुए चीन की सेना को नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया। वियतनाम तो दूर चीनी सैनिक कंबोडिया से भी उसके सैनिकों को नहीं हटा पाए। इस युद्ध में उसके लगभग 20,000 सैनिक मारे गए और आखिरी में चीन को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। तभी से चीन और वियतनाम की दुश्मनी उफान पर रहती है। चीन आर्थिक और तकनीकी रूप से बेहद आगे निकल चुका है। ऐसे में जरूरी है कि वियतनाम अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाए और इसीलिए वो भारत से भी हथियार खरीद रहा है। भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत जारी है। इसके अलावा मलेशिया इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस के लिए डील कर रहे हैं, जबकि फिलीपींस के साथ डील फाइनल हो चुकी है। ये चीन के खिलाफ भारत का बहुत बड़ा कदम है। तो दोस्तों, चीन को घेरने की मोदी की रणनीति और वियतनाम के जज्बे पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें।